एक तरफ भाजपा की सरकार है, सैनिकों के बीच जाना, बॉर्डर पर जाकर फोटो खिंचवाना, कैमरे के सामने उन्हें मिठाई खिलाने से सेना का सम्मान नहीं होगा। जब इस देश में किसी नेता की मृत्यु होती है तो आप देखते हैं कि राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है, हमारा ध्वज, तिरंगा झंडा, आधा ध्वज फैलाया जाता है, स्मारक बनाए जाते हैं, सरकारी दफ्तरों की छुट्टी घोषित की जाती है। लेकिन आज यदि कोई अग्निवीर शहीद होता है, उनकी ऑन ड्यूटी मृत्यु होती है, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, उसे सैन्य सम्मान नहीं मुहैया कराया जाता, कोई आर्मी का यूनिट उनके साथ नहीं तैनात किया जाता, उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती। ये है भाजपा सरकार की अग्निवीर योजना की सच्चाई। लानत है ऐसी बीजेपी की सरकार पे जो अपने सैनिकों को, शहीद अग्निवीरों को सम्मान नहीं दे पाती। अगर अग्निवीर स्कीम इतनी अच्छी है और उससे सेना का और देश का इतना लाभ होने जा रहा है, तो कितने नेताओं के बच्चे हैं जो अग्निवीर योजना का फायदा उठाते हुए सेना में भर्ती हो। ये देश सैनिकों की वजह से है, नेताओं की वजह से नहीं है। ये बात जितनी जल्दी भाजपा सरकार समझ ले उतना देश के लिए अच्छा। भाजपा को कहना चाहता हूं कि कान खोल के सुन ले, जब तक देश में सैनिक का सम्मान जिंदा, जब तक देश में सैनिक का सम्मान जिंदा है, तभी तक देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। भाषण और जुमलों से देश नहीं चलता, शहीदों की बदौलत ही मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। एक महत्वपूर्ण विषय पे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। साथियों, पंजाब की वीर भूमि पे जन्मे शहीद अग्निवीर अमृतपाल, जो मानसा जिले से आते हैं, वो 11 अक्टूबर 2023 को जब भारतीय सेना में तैनात रजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ड्यूटी पर थे, वहाँ उनकी मृत्यु हुई और उस मृत्यु के उपरांत जब उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव मानसा जिले में स्थित उनका गांव कोटली कलां लाया गया, तो अग्निवीर स्कीम की सच्चाई देश की जनता के सामने आई। आपको याद होगा कि जब अग्निवीर योजना भाजपा सरकार लाई थी सेना में युवाओं की भर्ती को लेकर, तब अग्निवीर योजना के बारे में कई सारी आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी बुलंदी से अग्निवीर योजना की आशंकाएं जाहिर करी, कई महत्वपूर्ण प्रश्न उस योजना से संबंधित भारत सरकार पे, मोदी सरकार पर दागे। लेकिन उस समय भाजपा सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी, लेकिन आज ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिसका डर था वही हुआ, जिसकी शंखा थी वही हुआ। जब शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी के पार्थिव शरीर को उनके गांव कोटली कलां लाया गया, पंजाब में स्थित मानसे जिले में कोटली कलां गांव लाया गया, तो ना ही उनके साथ कोई सेना का यूनिट आया, मात्र एक आर्मी का हवलदार और दो जवान सिविल वर्दी में उनके शरीर को लाए, प्राइवेट एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, कोई सेना की गाड़ी भी मुहैया नहीं कराई गई। और सबसे चौंका देने वाली बात, उन्हें कोई सैन्य सम्मान अंतिम विदाई के समय जो एक सैनिक को दिया जाता है वो नहीं दिया गया। इस अग्निवीर योजना के चलते उन्हें और उनके परिवार वालों को ना ही कोई पेंशन भी दी जाएगी और ना ही उन्हें कोई शहीद का दर्जा दिया जाएगा। एक दिल दहला देने वाला वीडियो, उनके पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो वहां जो हालात थे वो जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से लोगों ने कई सवाल पूछे हैं कि क्यों एक अग्निवीर जिन्हें सेना में भर्ती किया गया, जो ऑन ड्यूटी शहीद हुए, राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ड्यूटी पर थे जब उनकी मृत्यु हुई, तो क्यों उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, क्यों उन्हें कोई सैन्य सम्मान नहीं मिला और क्यों उनकी शव को, उनके पार्थिव शरीर को एक प्राइवेट एम्बुलेंस और सिविल वर्दी में भेजा गया, ना ही उन्हें तिरंगे झंडे में लपेटकर उनके परिवार वालों को सौंपा गया और ना ही कोई
सैन्य सम्मान अंतिम श्रद्धांजलि सेना द्वारा उन्हें प्रदान करी गई। क्या ये है अग्निवीर स्कीम की असली सच्चाई? इस विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, घोषणा करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी, सैनिकों का अपमान नहीं देख सकती और हमेशा सैनिकों के और उनके परिवार वालों के सम्मान में मैदान में खड़ी नजर आती है। और इसी भाव के चलते आज आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है कि शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को पंजाब सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि, उनके परिवार वालों को सहायता राशि देगी, उन्हें शहीद का दर्जा देगी और इसी के साथ साथ इस शोक की घड़ी में उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। जब भाजपा सरकार ने शहीद अमृतपाल जी को, अग्निवीर अमृतपाल जी को कोई सैन्य सम्मान नहीं दिया, अंतिम श्रद्धांजलि नहीं दी, तब पंजाब पुलिस को, मानसा जिले की पंजाब पुलिस को जब यह बात पता लगी तो पंजाब पुलिस ने अंतिम विदाई के समय पूरे स्टेट ऑनर्स और राजकीय सम्मान देने का फैसला किया और उनकी अंतिम यात्रा पे पंजाब पुलिस ने सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। साथियों, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन आज इस इंसिडेंट के बाद केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की नीतियों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि यह देश सैनिकों की वजह से है, नेताओं की वजह से नहीं है। ये बात जितनी जल्दी भाजपा सरकार समझ ले उतना देश के लिए अच्छा। हमने शुरू से कहा था कि अग्निवीर योजना देश की सेना के साथ एक खतरनाक प्रयोग है, कहीं ना कहीं इससे सेना के बल पर और सैनिकों के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा, इस स्कीम को मत लागू करिए। लेकिन भाजपा सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी, जिसका आज जीता जागता उदाहरण हमने कोटली कलां के मानसा जिले में स्थित शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी के केस में हमने देखा। यह अग्निवीर स्कीम आनन फानन में लागू करी गई और विपक्ष की जितनी आशंकाएं थी उन सारी आशंकाओं को कहीं ना कहीं सच साबित करने का काम इस स्कीम ने किया। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले 5 महत्वपूर्ण सवाल भाजपा सरकार से पूछना चाहता। मेरा पहला सवाल, क्या 19 वर्षीय शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को सैन्य सम्मान ना मिलना, उनकी अंतिम विदाई पर उन्हें सम्मान नहीं मिलना, क्या भारतीय सेना का अपमान नहीं है? क्या यह सेना के मनोबल को चोट नहीं पहुंचाएगा? भाजपा सरकार से मेरा दूसरा सवाल कि ऑन ड्यूटी अग्निवीर अमृतपाल जी की शहादत के उपरांत आपने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 4 साल की ड्यूटी समाप्त होने के बाद इन अग्निवीरों का भविष्य सुनहरा होगा? मेरा तीसरा सवाल भाजपा की सरकार से, क्या भाजपा की सरकार नियमित जवानों और अग्निवीर जवानों के बीच में कोई भेदभाव करती है? क्या नियमित जवानों की शहादत शहादत है लेकिन अग्निवीर जवानों की जवानों की शहादत शहादत नहीं है? क्या कोई भेदभाव करती है भाजपा सरकार? ये बात वो जनता के सामने रखे। मेरा चौथा सवाल, क्या दुश्मन की गोली लगने की वजह से मृत्यु होना ही शहादत कहलाने के लायक है? क्या दुश्मन की गोली लगने से मृत्यु जो हुई, क्या उसी को शहादत बोला जाएगा? क्या ऑन ड्यूटी यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश शहीद होता है, मृत्यु
के घाट उतरता है तो क्या उसे शहीद नहीं कहा जाएगा? मैं उदाहरण के तौर पर आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए कोई -20 डिग्री -25 डिग्री में बर्फों बॉर्डर पे सीमा पे तैनात भारत की रक्षा कर रहा है और इतनी ठंड के चलते, ब्रेन हैमरेज के चलते या किसी दुर्घटना के चलते अगर सैनिक शहीद हो जाता तो क्या उसे आप शहादत नहीं देंगे, कहेंगे क्या उसे शहीद का दर्जा नहीं देंगे? ये मेरा चौथा सवाल भाजपा सरकार से। और मेरा पांचवा और आखिरी सवाल कि अगर अग्निवीर योजना इतनी अच्छी है, अगर अग्निवीर योजना से भारतीय सेना का, भारत देश का इतना भला होने जा रहा है, तो कितने नेताओं के बच्चे अग्निवीर सेना, अग्निवीर स्कीम के चलते भारतीय सेना में एनरोल किए? अगर अग्निवीर स्कीम इतनी अच्छी है और उससे सेना का और देश का इतना लाभ होने जा रहा है, तो कितने नेताओं के बच्चे हैं जो अग्निवीर योजना का फायदा उठाते हुए सेना में भर्ती हुए? कितने नेताओं के बच्चे हैं जिन्होंने अग्निवीर बनने के लिए फॉर्म भरा और सेना में भर्ती हुई? ये मैं पूछना चाहता हूं भाजपा सरकार से। लानत है ऐसी बीजेपी की सरकार पे जो अपने सैनिकों को, शहीद अग्निवीरों को सम्मान नहीं दे पाती। मैं भाजपा को कहना चाहता हूं कि कान खोल के सुन ले, जब तक देश में सैनिक का सम्मान जिंदा है, जब तक देश में सैनिक का सम्मान जिंदा है, तभी तक देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। भाषण और जुमलों से देश नहीं चलता, शहीदों की बदौलत ही मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। जब इस देश में किसी नेता की मृत्यु होती है तो आप देखते हैं कि राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है, हमारा ध्वज, तिरंगा झंडा, आधा ध्वज फैलाया जाता है, स्मारक बनाए जाते हैं, सरकारी दफ्तरों की छुट्टी घोषित की जाती है। लेकिन आज यदि कोई अग्निवीर शहीद होता है, उनकी ऑन ड्यूटी मृत्यु होती है, तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, उसे सैन्य सम्मान नहीं मुहैया कराया जाता, उसके पार्थिव शरीर को प्राइवेट एम्बुलेंस में, कोई आर्मी के वाहन में भी नहीं, प्राइवेट एम्बुलेंस में उनके गांव भेजा जाता है, कोई आर्मी का यूनिट उनके साथ नहीं तैनात किया जाता, उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती। यह है भाजपा सरकार की अग्निवीर योजना की सच्चाई। साथियों, दिवाली पर सैनिकों के बीच जाना, बॉर्डर पर जाकर फोटो खिंचवाना, कैमरे के सामने उन्हें मिठाई खिलाने से सेना का सम्मान नहीं होगा। अगर सेना का असल सम्मान करना है तो शहादत के उपरांत उन्हें पूरे सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाए, दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ जाए और कॉस्ट कटिंग की आड़ में ना उनकी पेंशन रोकी जाए, ना उनका मुआवजा रोका जाए। यह है असल सम्मान अगर भाजपा सरकार भारतीय सेना की वास्तव में सम्मान करती है, इज्जत करती है, तो फोटो खिंचवाना और मिठाई खिलाना बंद करे, हमारे अग्निवीरों को सम्मान देना शुरू करें। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश में सेना की और सेना से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनकी हालत कुछ इस प्रकार है कि ओआरओपी का अपना हक पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए पूर्व सैनिकों को सालों तक भारत देश की सड़कों पर आंदोलन करना पड़ा। भारतीय सेना में भर्तियां खुलवाने के लिए देश के करोड़ों युवाओं को सड़कों पर आंदोलन करना पड़ा और अग्निवीर योजना आने के उपरांत उसमें संशोधन करवाने के लिए, उसे ठीक करवाने के लिए, उसके गलत पॉइंट्स को हटवाने के लिए देश के युवाओं को प्रोटेस्ट करना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, धरना करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। लानत है ऐसी भाजपा सरकार पे जो भारत की सेना का सम्मान नहीं करती। एक तरफ भाजपा की सरकार है जिसने अग्निवीर अमृतपाल जी को शहीद का दर्जा नहीं दिया, सैन्य सम्मान नहीं दिया, जिन्हें पेंशन के परिवार को नहीं दी,
और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रही भगवंत मान सरकार, जिस सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा के साथ साथ 1 करोड़ की सम्मान राशि दी, जिस सूबे की पंजाब पुलिस ने उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। साथियों, अंत में मैं बस भाजपा को इतना ही कहना चाहता हूं कि ये देश नेताओं से नहीं, ये देश सैनिकों से है, सेनानियों से है। देश की सेना का सम्मान करना सीखो। इस संदर्भ में आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे आर्मी की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। देखिए, मैंने अपनी प्रेस वार्ता में इस पॉइंट को एड्रेस करते हुए आपसे बात कही थी कि क्या दुश्मन की गोली लगने से मृत्यु होना ही शहादत कहलाने लायक होगा। यदि कोई ऑन ड्यूटी भारत की सेना में काम कर रहे, बॉर्डर पर तैनात, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या उन्हें शहीद नहीं कहा जाएगा? मैं उदाहरण देता हूं, भारत के बर्फीले इलाकों में तैनात बॉर्डर की रक्षा कर रहे हमारे सैनिकों में से किसी एक की, परमात्मा ना करे, ठंड की वजह से ब्रेन हैमरेज के चलते मृत्यु हो जाए, वो ऑन ड्यूटी, उन्हें मौत हुई, लेकिन क्या भारत सरकार, भाजपा सरकार उन्हें शहीद नहीं कहेगी, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं देगी? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो आज इस अग्निवीर योजना पर भी और भारत सरकार की नीयत पर भी, भाजपा सरकार की नीयत पर भी खड़ा होता है। और भले ही भाजपा उन्हें शहीद ना कहे, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हें शहीद का दर्जा भी देगी, 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके परिवार वालों को देगी, उनको पूरा अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ देगी और इस शोक की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर उनके परिवार के साथ खड़ी होगी। आप अपने घर के मामले को लेकर हाईकोर्ट में क्या अपील की, उसमें क्या प्रोसेस है? अभी मामला विचाराधीन है कोर्ट के, जब नतीजा आएगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। और कोई विषय? थैंक यू।